होली से पहले इंटर का रिजल्ट आ सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, होली से पहले इंटर का रिजल्ट आ सकता है। इंटर का रिजल्ट जारी हो सकता है। टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम आज से शुरू हो गया है। टॉपर्स का ऑनलाइन इंटरव्यू लेगा बोर्ड। टॉपर्स के इंटरव्यू के लिए एक्सपर्ट कमिटी का गठन भी कर दिया गया है। सबसे पहले परीक्षा से लेकर रिजल्ट का बनेगा रिकॉर्ड। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, होली से पहले इंटर का रिजल्ट बिहार में आ सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। इंटर का रिजल्ट जारी हो सकता है। टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम आज से शुरू हो गया है। रजनीश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, होली से पहले इंटर का रिजल्ट आने की खबर आ रही है, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, लगातार दो साल से बिहार बोर्ड जो है रिकॉर्ड कायम कर रहा है। ऐसे में इस बार कोरोना काल में भी सबसे पहले परीक्षा लेने वाला बिहार बोर्ड ही है, तो रिजल्ट की तैयारी चल रही है। बता दें आपको, कुछ हमारे पास खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से, यानी जिसको लेकर कवायदें तेज कर दी गई है। जो टॉपर्स की कॉपियां है उसको बोर्ड ने मंगवा ली है, तो तमाम प्रक्रियाएं चल रही है। और बताया ये जा रहा है कि तैयारी पूरी होने के बाद हो सकता है, यानी होली से पहले जो परीक्षार्थी है उनको बड़ी राहत मिलने वाली है। बता दें आपको कि राज्य के 13,84,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। एक परीक्षार्थियों के लिए बड़ी राहत की बात है कि परीक्षा के तुरंत बाद रिजल्ट जारी हो रहा है और देश का पहला बिहार बोर्ड बनेगा जो रिजल्ट और परीक्षा सबसे पहले। लेकिन यहाँ रिकॉर्ड भी कायम होगा, तो देखिए होली से पहले इंटर का रिजल्ट आ सकता है बिहार में। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। लो भाई, अभी इंटर की कॉपी का जांच खत्म भी नहीं हुआ, कुछ यूट्यूबर फिर से शुरू हो गए, होली से पहले आएगा इंटर का रिजल्ट। अरे भाई, ये वीडियो क्लिप आज का नहीं है, ये 2-3 साल पहले का, जिसको हर साल कुछ यूट्यूबर घुमाते रहते हैं। तो देखिए, ये तो क्लिप है तो सच, लेकिन इस साल का नहीं है। और वैसे भी देखिए, इस साल होली से पहले रिजल्ट आने नहीं जा रहा, तो आएगा कब इंटर का रिजल्ट? आएगा कब? तो अब आप खुद सोचिए कि 5 मार्च 2023 तक इंटर के कॉपी को चेक करने का डेडलाइन रखा गया है। और 5 मार्च की अगर हम बात करें तो पिछले साल क्या हुआ था, लास्ट डेट खत्म हो गया, फिर भी इंटर की कॉपियों की जांच यानी कि चेक करना खत्म नहीं हो पाया। इंग्लिश की लाखों कॉपी बच गई और चेक करने के लिए टीचर नहीं मिल रहे थे। फिर क्या हुआ कि इसे एक्सटेंड किया गया, इस डेट को, मतलब जो लास्ट डेट था कॉपी चेक करने का उसको एक्सटेंड करना पड़ गया, तब जाकर के इंटर की कॉपी की जांच खत्म हुई। और इस बार के लिए होली के बारे में पहले ही बिहार बोर्ड कह चुका है कि भैया होली की छुट्टी में कॉपी जांच नहीं होगा। तो और होली कब है? 8 मार्च को। अब 5 मार्च जो लास्ट डेट है अभी तक इंटर की कॉपी को जांच करने का, उसी को बढ़ाना पड़ सकता है, तो होली से पहले कहां से आएगा रिजल्ट? तो इन सारे वीडियोस के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, मैं बताता हूं कि रिजल्ट आएगा कब, इंटर का रिजल्ट कब आएगा आपको मैं बताता हूं। देखिए, 16 मार्च 2022 को पिछले साल इंटर का रिजल्ट आया था। इस साल कभी भी रिजल्ट आएगा तो 16 मार्च या उसके बाद ही आएगा, उसके पहले आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बीच में होली पहले आ जा रही है, इसलिए होली के पहले तो रिजल्ट आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 5 मार्च तक तो कॉपी ही जांच होनी है और होली में कॉपी जांच को बंद भी कर देना है। तो होली से पहले तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन हां, 16 मार्च या उसके बाद बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इसलिए ऐसे कंफ्यूजन में ना पड़े, आपको कंफर्म जानकारी चाहिए, कंफर्म न्यूज चाहिए, तो आपको स्काई लाइट स्टडी चैनल से हर बार हर वीडियो में बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी। बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर 2023 का रिजल्ट चेक करने के लिए सिंपली प्ले स्टोर में सर्च करें बिहार बोर्ड रिजल्ट 2023। ये लिख करके आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर में सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशंस का, जो एप्स का लिस्ट आएगा, आपको यहां पर इस आइकन पर ध्यान देना है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है आपको कि ये एप्लीकेशन जो आपको इंस्टॉल करना है इंपॉर्टेंट एजुकेशन का ऐप होना चाहिए। इस एप्लीकेशन से आप बहुत ईजिली मैट्रिक इंटर यानी 10th और 12th 2023 का रिजल्ट इजीली अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ पर सिंपली बिहार बोर्ड रिजल्ट 2023 लिख करके और 5-स्टार रेटिंग दे करके यहाँ पर उसको सेंड कर देना है, सबमिट कर देना है। तो ये एप्लीकेशन जब आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा तो सिंपली इसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन नजर आएगा, 10th रिजल्ट 2023 और 12th रिजल्ट 2023। तो 10th वाले 10th पर क्लिक करेंगे, 12th वाले 12th पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगा चेक रिजल्ट, और सिंपली यहीं से आपको अपना 10th 12th रिजल्ट आराम से आप चेक कर सकते हैं।